hello students, welcome to nanmangri vidyapit online education. i am abhishek goswami. i hope that you all are fine and safe at your home. so in the last lecture, we have started our chapter number 5 and it is related to science and technology. and in the last lecture, we have discussed about three important branch of science like first of all, we have discussed about metallurgy. then we have discussed about chemistry. and in the last, we have discussed about

डिस्कवरीज हुई है और इस डिस्कवरी के कारण हमारे इंडिया का काफ़ी प्रॉस्परस हेरिटेज है द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम्स एल्जेब्रा थियरम ऑफ बोधायन जियोमेट्री एंड एरिथमेटिंग तो हमारे इंडिया के द्वारा मैथमेटिक्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ जीरो जीरो की डिस्कवरी हमारे इंडिया ने की थी Then system, algebra, of, uh, Bodhayan, then geometry, देन डेसिमल सिस्टम दशांश पद्धति आर्यभट डिस्कवर्ड जीरो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड बाई द सेज नेमड ग्रुत आपको ये याद रखना होगा कि आर्यभट्ट जिसने जीरो की डिस्कवरी की थी और ज़ीरो के आगे हम जो नंबर्स लिखते हैं तो ये नंबर्स लिखने स्टार्ट किसने किए थे ग्रुत सामान्य तो आपको ये दो नेम याद रखने होंगे दैन नेक्स्ट है कि द ए एनशियट इंडियन मैथेमेटिशियंस द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड बाय प्लेसिंग 53 थ्री जीरो आफ्टर वन एंशियंट इंडियन मैथेमेटिशियंस ने जीरो से आगे टोटल हम कह सकते हैं कि वन के पीछे फिफ्टी थ्री तक सभी के नेम डिफाइन किए थे काफ़ी बिग अचीवमेंट है कि वन uh, के पीछे टोटल फिफ्टी थ्री जीरोज तक हमने सभी के नाम डिसाइड किए थे देन डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स विच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजो दारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट प्लेस हरप्पा एंड मोहेंजो दारो यहाँ से हमें डेसिमल सिस्टम फाउंड होती है जैसे कि ये सिस्टम कहाँ पर यूज होती थी फॉर द मेजरिंग एंड वेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो हरप्पा एंड यहाँ से हमें डेसिमल लीलावती गणित एंड बीज गणित इन इलेवन फिफ्टी तो आपको भास्कराचार्य का नाम भी याद रखना होगा जिसने दो इम्पोर्टेंट बुक लिखी है लीलावती गणित एंड बीज गणित डिस्कर्ड साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्स एंड भास्कराचार्य ने ये जो प्लस और माइनस की साइन होती है यह भी डिस्कवर किया था ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस इक्वेशन डिस्कवर थी सॉरी आपस्तंभ है मेजरमेंट ऑफ सैक्रीफाइल पिट्स यूज फॉर वेदिकल्सो

इक्वेशंस uh, के टाइप को बताया था देन बोधायन ने थियरम के बारे में भी लिखा था देन आप जिसने सेक्रीफाइल मीट्स को uh, पीट्स को मेजरमेंट करने का काम किया था देन वैदिक यज्ञ है शुल्व सूत्र ये भी uh, इसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है देन बात करें आर्यभट्ट जिसने काफ़ी अच्छा काम किया था पाई मैथ्स में पाई आता है पाई का मूल्य होगा वैल्यू होगी थ्री पॉइंट फोर्टीन तो ये भी डिस्कवर किया था आर्यभट्ट ने तो काफी बिग अचीवमेंट है हमारे मैथमेटिक्स में भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन सबस्ट्रेक्शन स्क्वायर फूट क्यूब रूट एक्सेट्रा अस्टंग मेथड इंट्रोड्यूस बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क आर्यभट्ट इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट ने अदर वर्क भी देखे तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन स्क्वायर फूट क्यूब रूट ये सभी की मेथड इंट्रोड्यूस की थी और इसको नाम दिया था अस्तांग और इसी के कारण आर्यभट्ट फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाने जाते यू मस्ट रिमेंबर आर्य इज नॉन एज द फादर ऑफ मैथेमेटिक्स मोर एवर ही है दश गीति का आर्यभट्टियम

देन पाई की वैल्यू देन है कि फादर ऑफ मैथेमेटिक्स इसने मल्टीप्लीकेशन एडिशन सबस्ट्रेक्शन, स्क्वायर फूट क्यूब रूट इसकी मैथड इंट्रोड्यूस की थी देन दश गीति का आर्यभट्टियम दो इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है और एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक फील्ड में भी आर्यभट्ट का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है देन अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस

सो सेकेंड एज चिकित्सा संग्रह इट वॉज रिटन बाय चक्रपाणी दत्त देन कामसूत्र इट वॉज़ रिटन बाय वात्सायन देन वृक्ष आयुर्वेदा इट वॉज रिटन बाय महर्षि पाराशर देन योगशास्त्र इट वॉज रिटन बाय महर्षि पतंजलि यंत्र सर्वस्व इट वॉज रिटन बाय महर्षि भारद्वाज एंड कालगणना इट वॉज रिटन बाय शाक्य मुनि यू मस्ट रिमेम्बर ऑल द बुक्स एंड ऑथर्स नेम वं गईनाट प्रजनन शास्त्र ये ब्रह्म भव्य पांचाल ने लिखी थी चिकित्सा संग्रह ये चक्रपाणी दत्त के द्वारा लिखी गई है काम सूत्र जो वात्सायन के द्वारा लिखी गई है वृक्ष आयुर्वेद महर्षि पाराशर योग शास्त्र महर्षि पतंजलि यंत्र सर्वस्व इट वॉज रिटन बाय महर्षि भारद्वाज एंड काल गणना इट वॉज रिटन बाय शाक्य मुनि Then let's move to our next topic and it is astronomy and astrology. So, astronomy is the most ancient science. Many works related to astronomy had been written in India. An organized and deep study of astrology was made by ancient university, Indian Ancient University. Astronomy Astronomy means space ke bare mein knowledge. तो ये भी हमारे इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता था सिंस एंशियंट टाइम सिंस एंशियंट टाइम स्पेस के बारे में भी हमारे साइंटिस्ट को काफ़ी अच्छा नॉलेज था कई सारी बुक्स भी लिखी गई है और इसका नॉलेज एंशियंट यूनिवर्सिटी में भी दिया जाता था सो प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स कॉन्स्टेलेशन एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वर यूज फॉर कैलकुलेशंस थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वर डेवलप रिमार्केबली प्रडिक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानटरी मूवमेंट्स तो एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज़ क्या होता है लाइक प्लैनेट्स एंड देर मूवमेंट प्लैनेट किस तरीके से मूवमेंट करते हैं कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स स्टार्स का ग्रुप होगा जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिलेशन एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सभी प्लानिट्स हैं तो ये सभी हमारी कैलकुलेशन के लिए काफ़ी यूज होते हैं इससे हम कई सारे प्रडिक्शन्स करते हैं इन ज्योतिष शास्त्र astrology maybe so predictions were made on the basis of planetary movements aryabhatt made a remarkable contribution in the field of astronomy you must remember Aryabhat was famous for mathematics and astronomy also so the first indian satellite was named Aryabhat on his name you must remember hamari first indian satellite Aryabhat jiska nam फेमस एस्ट्रोनॉमर आर्यभ्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इसका नाम रखा गया था सो ही डिक्लेयर दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट ऑन एक्सिस एंड ही प्रूवड दैट द बेसिक रीजन फॉर लूनार इक्लिप्स इज द शेडो ऑफ द अर्थ विच वॉज एड्रेस्ड एज अजार भर बाय द स्कॉस तो आर्यभट्ट ने यह डिसाइड किया था डिफाइन किया था कि जो अर्थ है उसकी रोटेशन होती है अपनी एक्सिस के आसपास देन उसने ये भी प्रूव किया था कि कैसे लोनार इक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण कैसे होता है देन uh, कई स्कॉलर्स ने यह चंद्र ग्रहण को क्या किया था अजार भार के नाम से भी एड्रेस uh, किया था सो इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्त पॉपुलराइज पॉपुलराइज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट का भी काफी कंट्रीब्यूशन है बट ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था इन द बुक ऑफ ब्रह्म सिद्धांत न्यूटन से भी पहले ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशन होता है तो हम सब किसको मानते हैं न्यूटन को कि उसने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था बट ब्रह्मगुप्त ने इससे पहले भी ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में ब्रह्म सिद्धांत में लिखा था then varahamihir was the great astrologer and astronomer who divided astrology into three sections tantra hora and samhita you must remember varahamihir was great astrologer as well as astronomer and he was uh, he divided astronomy into three sections tantra hora and samhita his granth named Brahma Siddha samhita uh, brihad samhita gives information regarding effects of planets on man's future his characteristics or various classes of animals and a time of marriage ponds wells gardens and good omen for sowing we should feel pride that our ancestors were experts in the various sciences so vara America contribution thank you usne एस्ट्रोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड किया था तंत्र होरा एंड संहिता देन उसने एक ग्रंथ भी लिखा था बुक भी लिखी थी जिसका नाम था बृहद संहिता और इसमें काफी सारा डिस्क्रिप्शन है अबाउट मैंस फ्यूचर इफेक्ट ऑफ प्लेनेट ऑन मैंस फ्यूचर इस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स टाइम ऑफ मैरिज पॉन्ड्स वेल्स गार्डन्स गुड ओमेन फॉर स्वइंग सभी के बारे में लिखा गया था इन द सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ वराह मिहिर देन लेट्स मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड इट इज वास्तुशास्त्र देर इज एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंशंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बिंग रेकोग्नाइज डिग्निफाइड एंड प्लेस्ड बाई मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्म नारद बृहस्पति भृगु वशिष्ठ विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र आप सभी जानते हो गए आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोई भी होम जिसका कोई भी हाउस जिसका आर्किटेक्ट किया जाएगा इसका आर्किटेक्चर हमें जानना है तो हमें वास्तुशास्त्र को फॉलो करना पड़ता है तो आपको फेमस uh, वास्तुशास्त्र के फील्ड के साइंटिस्ट मींस पर्सन को याद रखना होगा लाइक ब्रह्म नारदु वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा दे आर इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र देन नेक्स्ट दे हैव प्रोपेगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग्स टेम्पल्स पैलेस अश्वशाला फोर्ट्स स्टोर हाउस ऑफ एमिनेशन एंड द टाउन प्लानिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मैंशन इन बृहद संहिता देन राणा कुंबा ऑफ मेवार रिवाइडेड दिस साइंस इन फिफ्टींथ सेंचुरी तो वास्तुशास्त्र में कंस्ट्रक्शन कैसे करना है इसके प्रिंसिपल से लाइक ड्वेलिंग्स ड्वेलिंग मीन्स हाउस हाउस को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है टेम्पल किस तरीके से होने चाहिए इसकी पैटर्न क्या होगी पैलेस अश्वशाला स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन टाउन प्लानिंग ये सभी के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है इन द दे वास्तुशास्त्र देन मैं बात करूँ वास्तु वास्तुशास्त्र की एक बुक है बृहद संहिता जो आ, वराह महीने लिखी थी बृहद संहिता तो ये बुक को भी आपको याद रखना होगा एंड राणा कुंभा मेवाड़ के किंग थे इसका भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इन द वास्तुशास्त्र जिसने वास्तुशास्त्र को रिवाइव किया था मिडाइबल पीरियड में वास्तुशास्त्र का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा था बट मेवाड़ के राणा कुंभा ने इस साइंस को अगेन रिवाइव करने का काम किया था सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ Vishwakarma was the first architect of gods. He divided Vastu Shastra into eight sections. You must remember, Vishwakarma was the first architect of gods according to traditional belief. And he divided Vastu Shastra into eight sections. You must remember this point. Then, various information of Vastu Shastra like selection of place, shapes, structure, proper planning of things. टेम्पल्स ब्रह्मस्थान डाइनिंग रूम बेडरूम आर मैंशन इन द वास्तुशास्त्र आप सभी को ये याद रखना होगा वास्तुशास्त्र में मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि किस तरीके से हमें हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है कौन सी पैटर्न होगी जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा तो प्लेस का सिलेक्शन कैसे करना उसका शेप कैसे होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए टेम्पल किस तरीके से बनाना ब्रह्मस्थान डाइनिंग रूम कहाँ पर होगा बेडरूम कहाँ पर होगा ये सभी थिंग्स वास्तुशास्त्र में इंक्लूड होती है सो एज द टाइम पासिस बाय चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तुशास्त्र धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया धीरे धीरे पास होता गया इस तरीके से वास्तुशास्त्र में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं सो नाउ इट इज बींग एडॉप्टेड बाई द फॉरेनर्स फॉरेनर्स भी ये हमारी मेथड को ये हमारे स्टडी uh, को काफ़ी एडोप्ट करते हैं ये भी स्टडी करते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में दैन एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड इंडियन कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड हैट्रोजीनियस इट इज़ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन ट्रेडिशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हमारे इंडिया में नॉलेज ऑफ साइंस ये पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है जैसे हमने देखा कि ज़ीरो की डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की थी देन जो डेसिमल सिस्टम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देन वन से वन के पीछे टोटल फिफ्टी थ्री जीरो का नेमिंग भी हमारे इंडिया ने किया है देन इंटरेस्टिंग पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था ब्रह्मगुप्त ने हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था बट ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में लिखा था इन द बुक तो इंडिया का नॉलेज ऑफ साइंस पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है और हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी वास्ट है हमने देखा कि रिलीजियस ट्रेडिशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में और साइंस में हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं पहले हमने क्या देखा था कल्चर हमारा जैसे कि जो हिस्टोरिकल प्लेसिस हैं लिट्रे सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे बट इस चैप्टर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा हेरिटेज कितना प्रॉस्परस है सो टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टुवार्ड्स ऑल रिलीजियस इज सीन इन अवर कल्चर इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज वी सी यूनिटी इन अवर कंट्री डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है जैसे कि रिलीजन सिक्स मेन रिलीजन है हमारे इंडिया में लाइफ सभी की अलग है वैल्यूज सभी की अलग है बट हम सब एक यूनाइट तरीके से रहते हैं एक साथ मिल रहते हैं सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स अवर यूनिक फीचर ऑफ़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे कल्चर का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भले ही हम सब अलग हो बट हम सब यूनाइट सो सो दिस इज अबाउट अवर टूडेज लेक्चर इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट थ्री इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स देन वी हैव डिस्कस अबाउट एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एंड इन द लास्ट वी हैव डिस्कस अबाउट वास्तुशास्त्र By this video lecture, we have completed our chapter number 5. I hope you understood very well about all the points, all the topics of this chapter. And if you have any doubts regarding the, all the points, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will start our another chapter. Till then, stay home, stay safe. Thank you.